राज है, लेकिन नहीं, हमारी ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, हिलने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से हमें हटना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ना तो कोई मुस्लिम है ना कोई आतंकवादी है, हम भारत देश के रहने वाले एक लोकतंत्र प्रजातंत्र के निवासी। वो भी ऑफ हो गए, और जो मेरी बड़ी बहन है उनको भी टीबी की बीमारी है, और मेरी मम्मी के भी पैर में बहुत तकलीफ है। मैं खुद अगर मैं माहौल में रहती तो काश मैं इतनी अच्छी नहीं रहती, अगर मैं इधर हूँ तो काश मैं इतनी बोल पाती हूँ। मैं खुद क्या बोलते हैं, मुझको पैरालिस का अटैक आया था, अगर मैं वहाँ रहती काश मैं इतनी नहीं बोल पाती। और यहाँ का पानी इतना अच्छा है कि हम लोग यहाँ हमारा इतना अच्छा खाता परिवार पूरा तहस नहस हो गया। यहाँ का खाना पानी इतना अच्छा है, इतना माहौल का नहीं है, और हमें माहौल में नहीं रहना। यहाँ हमें मतलब हमें झोपड़ियाँ में भी दे दो, हम लोग रह लेंगे, बस हमें माहौल में नहीं रहना। नहीं बस हमें इतना ही बोलना चाहती हूँ। लोगों से कहते हैं कि हमने क्या गुनाह किया है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तुमने ये कहा था हम अच्छे दिन लाएंगे। अरे वो कौन से अच्छे दिन आएंगे, वो कौन से अच्छे दिन लाओगे, वो कब अच्छे दिन लाओगे, कब गरीबों के लिए 15 लाख रुपया हम हर व्यक्ति को देंगे। अरे 15 रुपए तो किसी को दिए होते हैं, 15 लाख का वादा किया, जो गरीबों का हक था, जो गरीबों का घर था वो भी छीन लिया।